हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स। फूड इज एसेंशियल फॉर अस टू लाइव। आप जानते ही होंगे कि हमें लिव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हम जो फूड खाते हैं उनमें से अधिकतर फूड हमें प्लांट्स से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स देमसेल्व्स नीड फूड टू लाइव। प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम। प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। इट इज़ द लीव्स दैट मेक फूड फॉर प्लांट्स। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो लीव्स प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नेचुरल ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके कारण लीव्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और ये क्लोरोफिल ही प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल स्टडी द पार्ट्स ऑफ ए लीफ। हियर यू कैन सी ए लीफ। द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। देयर आर मैनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेन्स। द मेन थिक वेन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज नोन एज मिडरिब। एंड द टिप ऑफ द लीफ इज नोन एज लीफ एपेक्स। एंड दिस पार्ट अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। ऑब्जर्व द अंडर साइड ऑफ ए लीफ यूजिंग ए मैग्नीफाइंग लेंस। जब हम लीफ को पलट कर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स दिखाई देते हैं। इस पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा एयर के पासेस और गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट ब्रीथ करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर ए प्लांट, सो दे आर कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए लीव्स को प्लांट का किचन और फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। Now we understand the process of food. The leaves use carbon dioxide, water and minerals to make food. Leaves food बनाने के लिए carbon dioxide, water और minerals का use करते हैं। The chlorophyll in the leaves traps the energy from sunlight. Chlorophyll sunlight से energy लेते हैं। The leaves then use this energy to convert carbon dioxide, water and minerals into food. फिर लीव्स इस एनर्जी का यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को फूड में कन्वर्ट करते हैं। हैंस क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर ए प्लांट टू प्रिपेयर फूड। क्लोरोफिल और सनलाइट फूड बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। प्लांट्स ऑक्सीजन और वाटर वेपर रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट फूड बना रहे हैं एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर रिलीज हो रहा है। यू कैन सी दिस पिक्चर। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। रूट वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से ले रहे हैं। एंड द स्टेम कैरियर्स वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। एंड स्टेम इस वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहे हैं और ये सनलाइट के प्रेजेंस में
फूड बना रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू मेक फूड। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। दैट इज वाई द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वेयर फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टूगेदर।